दर्शकों, आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बारे में। जी हाँ, हाल ही में एक बड़ी खबर आई है कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की तबीयत बीते 3-4 दिनों से खराब है और उनकी बीमारी की खबर से पूरा देश उनके लिए दुआएं करने में जुटा हुआ है। जी हाँ, लेकिन अब उनकी तबीयत से जुड़ी एक और जानकारी सामने आ गई है। जी हाँ, अमिताभ बच्चन पिछले 3 दिन से अस्पताल में भर्ती हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन रूटीन फुल बॉडी चेकअप के लिए 2-3 दिन से पहले ही अस्पताल आए हुए थे और वहाँ पर उन्होंने अपनी सभी जाँच कराई थी। आपको बता दें कि खबर आ रही है कि ऐसे में डॉक्टर्स ने उन्हें कुछ आराम करने की भी सलाह दी है। फिलहाल तो वे अस्पताल में ही हैं और अपनी सेहत का पूरी तरह से ध्यान रख रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन की फैन फॉलोइंग इतनी है कि सभी उनके लिए दुआएं करने लग जाते हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि आखिरकार अमिताभ बच्चन अस्पताल में भर्ती क्यों हुए हैं। आपको बता दें कि करीब देर रात 2-3 बजे के आसपास अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया था, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें सिर्फ रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया है। वहीं आपको बता दें कि आधी रात में रूटीन चेकअप के लिए उन्हें अस्पताल क्यों ले जाया गया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन हेपेटाइटिस बी और फिल्म की शूटिंग के दौरान चोट लगने के कारण 75% लिवर फंक्शन नहीं करता है काम। जी हाँ, इसलिए अमिताभ बच्चन हॉस्पिटल में भर्ती हो भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस बात की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। जहाँ तक देखा जाए तो बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन अपनी सेहत का काफ़ी ख्याल रखते हैं। ऐसे में अगर बात की जाए उनकी हेल्थ की तो वो अक्सर इन बीमारी के चलते थोड़ी बहुत खराब हो ही जाती है। वहीं बात करें उनके फैंस की तो उनके फैंस को चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाल ही में अमिताभ बच्चन ने अपने फैंस के लिए भी एक ब्लॉग लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा है, दर्द से थोड़ा आराम मिला तो दुनिया अचानक बेहद खूबसूरत लगने लगी। आज दुनिया एक चमकदार सूरज की तरह चमक रही है, बहुत शांति है, यहाँ देखभाल के बहुत अच्छे इंतजाम है। वहीं उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि उनका ज़्यादातर समय काम में ही बीतता है, इसलिए वो ये उगता हुआ और चमकदार सूरज देख ही नहीं पाते हैं। वे कभी घर में होते हैं तो कभी कार में, तो कभी वैन में, तो कभी स्टूडियो में। जी हाँ, अमिताभ बच्चन ने ऐसा ब्लॉग लिखकर अपने फैंस को अपनी तबीयत की जानकारी दे दी है। वहीं आपको ये भी बता दें कि अमिताभ बच्चन फिलहाल आराम कर रहे हैं और सोचने समझने का भी उनके पास काफ़ी टाइम है। इतना ही नहीं, अमिताभ बच्चन ने ये भी संदेश दिया है कि जिंदगी को बहुत ही लाइटली नहीं लेना चाहिए और अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना बेहद ज़रूरी है। और ये तो बनता है कि अमिताभ बच्चन की इतनी तबीयत खराब है, इससे बेहतर क्या हो सकता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए क्यूरिन हेल्थ टेक से प्रांशी की रिपोर्ट।